दोस्तों भारतीय टीम के ऊपर बना था दबाव, भारतीय टीम थी काफी ज्यादा संकटों में, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों ने यहां पर बहुत ही बड़ा सीख और सबक दिया है पब्लिक को कि कभी भी कितनी भी गंभीर परिस्थिति में आप हो और आपको यहां पर ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करनी है, हर किसी जो है मुकाबले का सामना डट कर करना है। क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा, तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दे दोस्तों यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सरफराज खान ने इतनी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। जो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह आज तक न कर पाए, वो भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने कर दिखाया। अगर आप यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और विराट कोहली, सरफराज खान की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखेंगे तो शायद आज आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी कि पहले T20 मुकाबले में ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी भारतीय टीम ने पहले की थी, लेकिन T20 नहीं, टेस्ट था, और यहां पर बांग्लादेश के खिलाफ नहीं दोस्तों, यहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ था। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें भारतीय टीम को 46 रनों पर ऑल आउट कर दिया न्यूजीलैंड के घातक विस्फोटक टीम और बल्लेबाजों ने। दोस्तों भारतीय टीम जब हमारी 46 रन पर ऑल आउट हुई तो भारतीय टीम की काफी ज्यादा बेइज्जती हुई, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर बेइज्जती का घूंट पी गए। लेकिन पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरी इनिंग में इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की कि हर किसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों जब मैदान पर यशस्वी जायसवाल और हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए, तो जायसवाल ने पहले ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का रोहित शर्मा ने ठोक दिया। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और तूफानी विस्फोटक तरीके से दोस्तों न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान का माथा चकरा गया, क्या ये वही टीम है जिसको हमने 46 रनों पर ऑल आउट कर दिया था या ये कोई दूसरी टीम है। दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम के दिग्गज खूंखार विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर दे। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने 5वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके फिर ठोक दिए। दोस्तों 6ठे ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के और 3 चौके तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ठोक दिए। भारतीय टीम के दोनों खूंखार विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। तूफानी से तूफानी न्यूजीलैंड की गेंदबाज भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों के सामने पानी भरते हुए नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। रोहित शर्मा ने 8वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि लगातार 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक दिग्गज बल्लेबाजों ने कोहराम मचा दिया, लेकिन दोस्तों जैसे ही 11वें ओवर की 4थी बॉल पर 35 रन ठोक करके यशस्वी जायसवाल आउट हुए, भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। लेकिन यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। लेकिन रोहित शर्मा ने भी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 53 यानी कि दोस्तों आप सभी को बता दें 53 रन ठोक दिए। रोहित शर्मा जैसे ही अर्धशतक ठोक करके आउट हुए, मैदान पर सरफराज खान और विराट कोहली का बल्ला चला। विराट कोहली ने दोस्तों 21वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। 22वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 चौके 2 गगनचुंबी छक्के सरफराज खान ने ठोक दिए। सरफराज खान काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। सरफराज खान और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली का बल्ला इस कदर चल रहा था, न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान उनके सामने पानी भरते हुए नजर आ रहे थे। न्यूजीलैंड के तूफानी से तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफी ताबड़तोड़ अंदाज में मैदान पर डटकर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन सरफराज खान छक्के पर छक्के चौके पर चौके ठोक रहे थे। सरफराज खान की पत्नी भी उनका मुकाबला टेस्ट मुकाबला देख रही थी और वो काफी ज्यादा खुश थी। सरफराज खान ने 25वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 चौके 2 गगनचुंबी छक्के फिर ठोक दिए। विराट कोहली ने 26वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। 28वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके सरफराज खान ने फिर ठोक दिए। सरफराज खान काफी ज्यादा गुस्से में बल्लेबाजी करते, क्योंकि दोस्तों पहले टेस्ट मुकाबले की दूसरी इनिंग में सरफराज 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन इस बार सरफराज खान का बल्ला तूफानी विस्फोटक भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने मैदान पर तहलका मचा दिया। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।